माधव सुबह सुबह काम में लग गया। अच्छा ये ले, हल्दी वाला दूध पी ले, इसे पीने से ना तेरा सारा दर्द चला जाएगा। माधव तुझे पता है कपूर अश्वगंधा और तेल को साथ में मिलाकर जब धीमी आंच पर गर्म करने के बाद उस तेल से मालिश करते ना तो सारा दर्द चला जाता है। मैं अभी तेरे लिए लेके आती हूँ। हाँ रुक रुक रुक, मुझे ऐसा कोई तेल नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुझे ना दर्द हो रहा है लेकिन तू बता नहीं रहा है मुझे। अब तू ना मुझसे ज्यादा बहस मत कर, मैं लेके आती हूँ तेल और तुझे मालिश करानी पड़ेगी बस। बेटा डर तो हो रहा होगा, फिर माधव को नहीं तुझे, अपनी चोट को क्यों छुपा रही है बेटा? कौन सी चोट काका, मुझे कोई चोट वोट नहीं है, कोई दर्द वर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो बस ऐसे ही खाम खा। बहुत पुरानी चोट है, अब ना दर्द है ना कुछ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप बैठिए ना, मैं थोड़ी देर में आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? तो सही कह रही थी, दर्द तो हो रहा है। माधव मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच पाएगा ना बैग तक। और ये क्या, ये कौन सी ऑइंटमेंट लगा रहे हो? ये तो सिर्फ टेम्पररी, मतलब कम समय का इलाज है। मैं ना तुम्हें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे तुम्हारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और मसल्स भी खुल जाएंगे, फिर तुम ये क्रीम लगाना और देखना कितना जल्दी असर करता है। तुम्हें कैसे पता? अरे डोंट वरी, मुझे फिजियोथेरेपी आती है, मतलब बॉडी के मसल्स में जब भी अकड़न या दर्द हो तो उसका इलाज करना आता है। Trust me. श्वेता तुम्हें क्या कर रही हो? कुछ नहीं माधव,
हाँ ये लेफ्ट वाला मुझे पता है। माधव पीछे इसे स्ट्रेच करना। अरे माधव 2 मिनट बस मैं कर देती हूँ ना अच्छे से। अब कैसा लग रहा है, दर्द कम हुआ या नहीं? श्वेता आई थिंक बस काफी है। अरे माधव रुको अभी पूरा नहीं हुआ। अरे माधव क्या हुआ? ओ ये अंगूठी बहुत ही सुंदर है। माधव पता है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे ना तब भी मैंने इसे नोटिस किया था, बहुत ही सुंदर है। कहाँ से ली है? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ना ये पेड़ कहीं जाने वाला है ना कभी तुम मुझे छोड़ के कहीं जाने वाली, तो फिर तुम ये धागा क्यों बांध रही हो? ये धागा मैंने आपके लिए तो बांधा है। इस धागे को इस पेड़ पे बांध के पत्नी अपने पति की लंबी आयु सुख शांति और हमेशा हमेशा साथ रहने की प्रार्थना करती है। ये धागा मेरे माधव के लिए मेरा समर्पण है और हमारे प्यार का प्रतीक भी। अच्छा चलिए अब अपनी आंखें बंद करिए, मुझे आपको कुछ देना है। आज वट सावित्री की पूजा है, मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, तुम क्यों दे रही हो? ये तो गलत बात है। चुप रहिए, बस अपना हाथ आगे करिए और अपनी आंखें बंद रखिए। अच्छा बाबा ये लो। अब अपनी आंखें खोलिए। ये तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। माधव ये अंगूठी खास आपके लिए, मैं हमेशा प्रार्थना करूंगी कि आप खुश रहें, आप पर कभी कोई परेशानी ना आए। ये अंगूठी आपको हर बुरी नजर से बचाएगी, आपकी सुरक्षा करेगी, और अगर कभी जिंदगी में मैं आपसे अलग हो गई तो ये आपकी रक्षा करेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये हमेशा आपको मेरी याद दिलाएगी। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी सोच तक नहीं सकता, मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है और तुम पे खत्म होती है, और अगर तुम कभी मुझसे अलग हो जाती हो तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। चुप रहिए, आज के दिन ऐसी बातें नहीं करते, हम हमेशा साथ रहेंगे।
हाथ आगे लाइए। ये चित्रा ने मुझे दी थी। ये चित्रा का भूत इसके सर से कब जाएगा? माधव, मैं क्रीम लगा देती हूँ। मेरे माधव के साथ ये खेल नहीं खेलने दूंगी। क्या कर रहा हूं मतलब? दिखाई नहीं देता क्या कर रहा हूं? हैं? और देख ही नहीं रहा हूं, ये सोच भी रहा हूं तुम कितनी जाहिल हो और ये कितनी क्लासी। तुम कितने आउट ऑफ स्टाइल बेढंगे कपड़े पहनती और ये सो स्टाइलिश। पता नहीं बालों में कौन सा बदबूदार तेल लगा के आती हो। जब भी सामने आती हो ना उल्टी आती हो। और वो जब भी सामने आती है पूरा माहौल खुशबू से भर जाता है। अब जाओगी यहां से मेरी सर पे खड़ी रहोगी? संग्राम जी, बस मैं ठीक हूं। माधव, दर्द को ना ऐसे धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करना चाहिए, वरना दर्द पीछा नहीं छोड़ता। श्वेता, तुम ये क्या कर रही हो यार? माधव, अब ये क्यों पीछे पड़ गया है? संग्राम का फोन आया।
हाँ कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी। जरूरी काम होगा, तुम देख लो। हेलो, जितनी जल्दी निकल सकती है निकल जा, भाग जा इस घर से वरना जान जाएगी तेरी। माधव, मुझे पहले से ठीक लग रहा है। थैंक यू। वैद्य जो तेल लेकर आएगी वो लगाऊंगा तो पूरी तरह दर्द चला जाएगा। एनीवे थैंक्स लॉट। अरे है संग्राम की इतनी औकात, क्यों मुझसे इस तरह बात करेगा? अब उसे दिखाती हूँ कि मैं कौन हूं। क्या बोल रहे हैं आप? श्वेता आओ। जस्ट शट अप संग्राम, तुम ये डबल गेम किसी और के साथ खेलो। नीला माँ के बेटे हो इसलिए इज्जत से बात कर रहे, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम ज्यादा ही उछलो। पर आप दोनों मुझ पे चिल्ला के रोए, मैंने किया क्या है? निकल जा इस घर से वरना मरेगी, भाग जा इस घर से। इसी बकवास बातें कर रहा था तू श्वेता को फोन करके और पूछ रहा है मैंने क्या किया है? पर माँ मैं ऐसा क्यों बोलूंगा और मैं क्यों चाहूंगा श्वेता घर छोड़ के चली जाए? अच्छा तो ये सब क्या है? फोन पे फोन, फोन पे फोन करे जा रहे हो तुम मुझे, जब मैं माधव के साथ थी, हम क्लोज आने ही वाले थे, ये फोन पे फोन करे जा रहा था। और जब मैं फोन कॉल काट रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था क्या? फाइनली जब मैंने फोन कॉल उठा भी लिया तो तुम आवाज बदल कर नाटक करने लगे और अभी फिर से वही शुरू हो गया, वापस इसकी एक्टिंग शुरू हो गई। पर माँ आप खुद देखिए, मैंने अपने फोन को हाथ तक नहीं लगाया, देखिए आप। तुम्हें क्या लगता है तुम कॉल लॉग्स डिलीट कर दोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा? इतना अच्छा मौका था माधव के साथ नजदीकियां बढ़ाने का, सब कुछ अच्छे से जा रहा था, लेकिन सब कुछ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे फोन कॉल्स की वजह से सब खराब हो गया। आखिर तुम ये सब नाटक करना क्यों चाहते हो? पर मैंने... एक मिनट चुप, एकदम चुप, एक शब्द नहीं बोलेगा कोई, सोचने दो मुझे। अगर संग्राम ने श्वेता को फोन नहीं किया और श्वेता के फोन पे फोन आ रहे थे, इसका मतलब कोई और है जो ये सब कुछ कर रहा है। कौन है वो जो मेरे बने बनाए प्लान को चौपट करना चाहता है?